हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में। मैं विशाल शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 8 तारीख से 14 मई का ये साप्ताहिक राशिफल। इस मई माह का दूसरा सप्ताह आपके लिए क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बातें लेकर आया है, सभी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मैं बताऊंगा 8 तारीख से 14 मई का ये साप्ताहिक राशिफल, एक एक दिन का, एक एक समय का ये सप्ताह आपके लिए क्या विशेषताएं लेकर आया है। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि पर आधारित होगी, सभी महिलाएं पुरुष बच्चों के लिए जानकारी होगी। आने वाला हमारा कल की जो जानकारी देता है वो ज्योतिष होता है, और ज्योतिष मानने की चीज़ नहीं है, ज्योतिष जानने की चीज़ है। ज्योतिष पर विश्वास रखिए, कृपया अंधविश्वास ना रखिए। ज्योतिष के आधार पर आने वाले सप्ताह, आने वाले दिन के बारे में आज हम जानेंगे। आज अगर आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान से सुनिएगा, आज हम सब आपको पूर्ण रूप से विस्तारपूर्वक समझाएंगे कि एक एक दिन, एक एक समय आपके लिए कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सप्ताह के शुभारंभ में ये बहुत ही अच्छे शुभ फलदायक इस समय शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी व्यापार में उन्नति करने के पूर्ण अवसर इस पूरे सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। काम की स्थिति अगर बिगड़ी हुई है तो वो इस सप्ताह सुधरेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से जो अच्छे संबंध, कई समय से संबंध बिगड़े हुए थे, उस समय अच्छे संबंध होंगे, अच्छे संपर्क में आएंगे। नए बड़े अधिकारियों से इस समय संपर्क में भी आएंगे, और जिनसे अगर संबंध बिगड़े हैं वो संबंध सुधरेगी भी, उनसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अच्छा ज्ञान अच्छी किताबों से प्राप्त होगा, वही अच्छा ज्ञान इन लोगों से आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा ज्ञान पूर्ण रूप से अर्जित कर पाएंगे। आपका दिमाग तेजी से चलेगा, भविष्य सुरक्षित रहेगा, भविष्य के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य ले पाएंगे, कोई बड़ी नई योजना आप बनाएंगे। भाग्य को लेकर जो चिंतित है, जो कई योजनाएं जो आपकी रुकी हुई थी, वो इस सप्ताह पूर्ण होती हुई दिखाएगी। सप्ताह के मध्य के दिनों में भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी, नई आमदनी इस समय जुड़ेगी, नई आमदनी के स्रोत खुलेंगे। नौकरी व्यापार में बड़ा परिवर्तन, बड़ा ट्रांसफर अवश्य हो सकता है, आपकी आमदनी बढ़ेगी, नई बढ़ेगी, कोई नए स्रोत भी खुलेंगे, आमदनी के कुछ नए रास्ते खुलेंगे। पैतृक संपत्ति इस समय आपको प्राप्त हो सकती है, उसके कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, दादा का जो आप कई समय से आपके दादा दादी का अगर कोई पुरानी संपत्ति है तो इस समय प्राप्त होगी। अच्छा व्यापार चलेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। अपने घरेलू व्यापार में कोई अगर घरेलू व्यापार करते हैं तो उसमें कोई अगर परेशानी है तो उस समय समाप्त होगी, और कोई बड़ा निर्णय, उसमें कोई बड़ा चेंज इस सप्ताह आप कर सकते हैं। सप्ताह में कोई बड़ा चेंज इस समय दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिवार के बड़े बुजुर्ग को सेहत में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा में पूर्ण रूप से बनाए रखनी है। जीवन में कोई बड़ा ऐसा कार्य, कोई बड़ा ऐसा निर्णय आज के दिन आप ले सकते हैं। पूरे सप्ताह में कोई ऐसा बड़ा निर्णय आप ले पाएंगे जिससे अशांति का अनुभव भी हो सकता है, और कुछ बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बहुत ज़्यादा निराशा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी हो सकती है, नकारात्मक विचार भी सप्ताह देखने को मिलेंगे। बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोलते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई ऐसी बात ना बोलते जिससे किसी का दिल दुख जाए, जिससे कुछ बहुत ही ज़्यादा परिणाम आपको विपरीत देखने को मिले, वरना काम में बाधाएं भी आएगी और कुछ ना कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अपना मूड भी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं 8 मई का दिन आपके लिए कैसा क्या जाएगा। आपकी कार्य स्थिति बढ़िया होगी, कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, दिन बढ़िया पूर्ण रूप से बीतेगा। शुरुआत में सबसे बढ़िया कार्य होंगे, कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा शुरुआत के दिन में। 8 मई की बात कर रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। शुरू के दिनों में मतलब शुरू की सुबह उठते ही आपको स्नान करना है, भगवान शिव जी की आराधना करनी है उस दिन, और भगवान को अभिषेक करना है। शिव जी का अगर अभिषेक कर पाए घर पर ही या मंदिर पर, अवश्य करें, बिलपत्री अवश्य चढ़ाए। जो भी चिंता है, वो परेशानी है, वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी, उस परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पिता की सेहत पूर्ण रूप से अच्छी रहेगी, पिता का काम रोजगार बढ़ेगा। अगर वो अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से, अगर वो नहीं कार्य करते तो आपको उनके माध्यम से कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आपको महत्वपूर्ण लोगों के साथ आज मिलना होगा जिनसे कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। घर में सगे संबंधियों का आशीर्वाद मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंता अवश्य बने से रह सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आपको ध्यान देना है। जीवन साथी के नाम पर अगर संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन सबसे अच्छा है। उनके नाम से कोई भी संपत्ति लेंगे तो बहुत ही बढ़िया लाभ होगा, और जीवन साथी के माध्यम से भी कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। तरक्की के योग बनेंगे, रोमांटिक मूड रहेगा आज के दिन, इसलिए बहुत ही अच्छा दिन आज का आपका बीतेगा। 9 मई की बात करते हैं। 9 मई का दिन, 9 मई का जो दिन है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। निश्चित रूप से सामाजिक कार्य में आज का दिन जाएगा, लोगों से मेल जोल का समय रहेगा, व्यापारियों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट सट्टे बाजार में अगर कुछ निवेश करना चाहते तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सही
दाव लगा सकते हैं आज के दिन। अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सफलतादायक रहेगा, पसंददायक रहेगा, बहुत ही अच्छा दिन रहेगा आज के लिए। कोई भी बड़ा निर्णय आज के दिन आप ले सकते हैं, आगे चल के उसके अच्छे परिणाम भी देखने को प्राप्त होंगे। 10 मई की बात करते हैं, आय और व्यय दोनों ही बनी रहेगी, आय भी आएगी और खर्च भी होगा, दोनों ही होंगे, समान रूप से रहेगी। आज का दिन आपका आमदनी बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा, खर्च पर व्यर्थ का खर्च नहीं होगा, फिजूल खर्ची नहीं होगी, घर के कार्यों में होगी, थोड़ा ज़्यादा अवश्य हो सकता है पर इतना नहीं होगा कि आय से ज़्यादा खर्च हो रहा है, समान रूप से रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा, यात्राएं हो सकती है, यात्राओं से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। बैठक में कोई अपनी जो अगर आपका कार्य क्षेत्र में है तो उसके जो कुछ चेंज आप इस समय कर सकते हैं, बैठक के रूप में कुछ बड़ा चेंज आप करेंगे, कार्य की दिशा चेंज कर सकते हैं या कोई सामान की उठापटक चेंज हो सकती है, कोई ना कोई आप इस समय चेंज करेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूर्ण रूप से अच्छा दिन बीतेगा। आप कुछ नया सामान घर के लिए अवश्य खरीद सकते हैं, अगर घर ही खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। नया वाहन खरीदना चाहते तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। कोई भी निवेश करना चाहते तो आज सभी जगहों से बहुत ही अच्छा दिन माना है। जल्दबाजी में कहाँ कोई भी निर्णय ना लेपन, जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है, सोच समझ के ही लेना, नहीं तो कहीं भी ऐसा पैसा न लगाए जो फंस सकता है आज के दिन, इसलिए थोड़ा सा आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। बात करते हैं 11 मई की, यह दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, निवेश के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, आपके पास कुछ अच्छे ऑफर भी आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा विचार करके उस निर्णय पर पहुंचे जो आपके लिए अच्छा अनुकूल परिणाम प्राप्त कराए। आपकी कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई पैसा अटका हुआ है तो आज के दिन आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। आप कोई गाड़ी आदि इत्यादि बेचना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए बहुत ही अच्छा है, नया वाहन भी खरीद पाएंगे, पुराने वाहन अगर बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए सबसे अच्छा दिन है, खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा आमदनी के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। वाणी अच्छी रहेगी, आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, उनका पूर्ण रूप से स्वागत करें, उनसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके पारिवारिक में कोई ना कोई बड़ा कार्य, कोई रिश्ता, कोई ना कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे खुशहाली का माहौल बना रहे, कोई धार्मिक कार्य या कोई वैवाहिक कार्य आज के दिन पारिवारिक जीवन में अवश्य होता है। पारिवारिक बिजनेस में भी अच्छा लाभ आज के दिन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, पिता के रूप से कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा, उनके माध्यम से कोई ऐसे दैनिक आय के नया स्रोत आज के दिन आपके जीवन में जुड़ सकता है। घर में जो भी कुंवारे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आज कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और कहीं ना कहीं नौकरी लगने के योग प्राप्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी अवश्य रह सकती है। बात करते हैं 12 मई की, आपकी जो पूर्ण रूप से कई समय से जो निर्णय रुके हुए थे उस समय आप निर्णय ले पाएंगे। कई अधिक समय से जो मेहनत पराक्रम कर रहे थे उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पा रहा था उस समय आपको प्राप्त होगा। आपको सही काम पूर्ण रूप से करना है, जो भी कार्य अगर आपके मन में है वो आज के दिन आप कर दें। आपके शत्रु थोड़ा सा एक्टिव जरूर हो सकते हैं जो आपको कोई ना कोई परेशानी अवश्य फंसा सकते हैं, शत्रुओं से आज के दिन आपको थोड़ा सा बचाव रखना है। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, इस चीज़ की वजह से आप दूसरों की बातों में आकर गलत फैसले भी ले सकते हैं। आपको आमदनी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आमदनी में परेशानी हो सकती है जैसे व्यर्थ का खर्च बढ़ सकता है, खर्च इस समय थोड़ा अधिक बढ़ेगा, गलत फैसलों से आपके ऊपर प्रेशर बन सकता है जिससे कुछ गलत चीज़ें हो सकती है, कुछ आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। वाहन ठीक से चलाए, कुछ अपनी गलतियों की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी आज आपसे नाराज रह सकता है, कोई ना कोई परेशानी, बच्चों से भी कुछ ना कुछ कहा सुनी हो सकती है, थोड़ा सा आपको उनके ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी दिन रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए परेशानीदायक रहेगा, कोई ना कोई ऐसी चिंताजनक बात हो सकती है जिससे आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चिंता, नकारात्मक विचार अवश्य आ सकता है। व्यापारिक लोगों के लिए यात्रा अवश्य होगी, उसमें भी व्यर्थ का खर्च होगा, कोई लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मन में जो भी फैसला ले वो सोच समझ कर ही फैसला ले, नहीं तो जो कुछ आता हुआ लाभ भी है वो भी रुक सकता है। बात करते हैं 13 मई की, ये दिन बहुत ही अच्छा नहीं है, फालतू का खर्च हो सकता है, फालतू का नुकसान हो सकता है, फालतू की बहसबाजी हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, जीवन साथी से कड़वाहट फैल सकती है, जीवन साथी की से कुछ ना कोई बात बात हो सकते हैं जिनसे कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, दूसरों से लफड़े हो सकते हैं, कोई ना कोई बाहरी लोगों से बात बात भी हो सकते हैं। आज आपको थोड़ा सा अपने वक्त पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, वक्त इस समय आपका खराब चल रहा है आज के दिन, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, नकारात्मक विचार रहेंगे और कहा सुनी और बहसबाजी आज हो सकती है, थोड़ा सा आप आज के दिन घर पे ही रहे और थोड़ा सा आराम करें। बात करते हैं 14 मई की, आज के दिन आपको पूर्णतः रूप से राहत मिलेगी, बच्चों की तारीफ से पूर्ण रूप से भरा हुआ दिन रहेगा, बच्चों का पूर्ण धन धीमे धीमे आएगा पर आएगा, ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा, इस समय धन के स्रोत बनेंगे, नए स्रोत अवश्य बनेंगे, धीरे से आएगा पर पूर्ण रूप से आएगा। नौकरी में समस्याएं जो चल रही थी वो समाप्त होगी, अपने बॉस से जो कई अधिक समय से बात बात हो रहे थे, बॉस आपकी सुन नहीं रहे थे, आपके जो पार्टनर से आपके साथ जो काम करते थे सहकर्मी थे कोई ना कोई आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, बॉस से आपकी बुराई कर रहे थे, वो इस समय आपके सभी आपके पक्ष में होगा, पूर्ण रूप से संतोषपूर्ण दिन रहेगा, अपनी समस्याओं का पूर्ण रूप से आज के दिन समाधान प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों के लिए इस समय आज समय
रिश्ते जुड़ने का योग बन रहा है, पक्की बात हो सकती है, जीवन साथी से रिश्ते फिर से मधुर होंगे, बहुत अच्छा संबंध रहेगा, उनका पूर्ण सहयोग आज के दिन प्राप्त होगा, आप एक दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, धनदायक समय रहेगा, कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक के साथ समय व्यतीत करेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य रखना है, पिता के माध्यम से कोई बड़ा लाभ भी आज के दिन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, विदेश जाने का योग भी इस समय बनता हुआ दिखा रहा है, इस समय संकेत अवश्य प्राप्त होंगे, पर जाने का योग अगले सप्ताह में आपको मिथुन राशि वालों को देखने को प्राप्त होंगे। आज मैंने आप सभी को बताया मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा किया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, ये सभी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से लोग तक पहुंचाए, क्योंकि सारी समस्या का संपूर्ण समाधान उन्हें ज्योतिष ज्ञानी मिल सके। धन्यवाद। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।